नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। दोस्तों, टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज की शुरुआत जो है वो 9 फरवरी से होने जा रही है, जिसके लिए टीम इंडिया ने अपनी कमर भी कस ली है। तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। बता दें कि कंगारू टीम भारतीय स्पिन अटैक से काफी ज्यादा खौफ खाए हुए है, लेकिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी भी उनके लिए चिंता का विषय बनी हुई है। दूसरी तरफ भारतीय खेमे में एक और कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन है ओपनिंग जोड़ी को लेकर, क्योंकि अभी तक केएल राहुल ही रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आए हैं, लेकिन बीते कुछ वक्त में शुभमन गिल ने रनों की बरसात करते हुए केएल राहुल के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, और ऐसे में ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि रोहित शर्मा के साथ इस टेस्ट सीरीज में ओपनिंग करता हुआ कौन दिखाई देगा, क्या वो शुभमन गिल होंगे या फिर केएल राहुल। अब आखिर ये कंफ्यूजन और कंपैरिजन क्यों हो रहा है, चलिए आपको बताते हैं। बता दें कि नागपुर में टीम इंडिया को पहला टेस्ट मैच खेलना है, और ऐसे में भारतीय टीम के सामने एक बड़ी चुनौती है कि ऑस्ट्रेलिया पर शुरुआत से ही दबाव बनाया जाए और कंगारू टीम को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाए। ऐसे में नागपुर में कौन सी ओपनिंग जोड़ी होगी जो कि टीम इंडिया की तरफ से देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर मौजूदा फॉर्म और भविष्य को देखें तो टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को शुभमन गिल के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में केएल राहुल के पिछले 10 मैचों की बात करें तो 12 पारियों में उनके बल्ले से 28.90 के एवरेज से 318 रन आए हैं, जिनमें उनके नाम 3 अर्धशतक शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ शुभमन गिल ने रनों का अंबार लगाया है। वो इस साल अब तक 12 इंटरनेशनल पारियों में 76.90 के बेहतरीन एवरेज से सबसे ज्यादा 769 रन बनाए हैं, और इस दौरान उन्होंने एक दोहरे शतक के साथ 4 शतक और एक अर्धशतक भी जमाया है। तो दोस्तों, अगर ऐसे में देखा जाए तो शुभमन गिल ने केएल राहुल के लिए अब कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। शुभमन गिल ने साल 2023 की दमदार शुरुआत की और रनों का पहाड़ बना दिया। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस स्पॉट पर वो रन बना रहे हैं अगर उन्हें वहां नहीं खिलाया जाता है तब टीम मैनेजमेंट पर सवाल खड़े हो सकते हैं। और खास बात तो ये है कि केएल राहुल, शुभमन गिल दोनों ही क्रिकेटर्स ने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी जड़ी है। अब ऐसे में अगर टीम मैनेजमेंट रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल की जोड़ी बनाने का फैसला करता है तब केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी मिल सकती है। वनडे में भी केएल राहुल अब मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने लगे हैं। ऐसे में टेस्ट में जब अभी श्रेयस अय्यर फिट नहीं है तब केएल राहुल के पास मिडिल ऑर्डर मजबूत करने का मौका होगा, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर शुभमन गिल के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि वो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, आपके हिसाब से केएल राहुल और शुभमन गिल, इन दोनों में से कौन सा बेहतरीन ओपनर खिलाड़ी है जिसे रोहित शर्मा के साथ टेस्ट सीरीज में ओपनिंग करनी चाहिए, इसका जवाब और अपने सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। अगर आपको है क्रिकेट की भरपूर नॉलेज, हर एक मैच में अपनी टीम बनाने की ललक, तो हम दे रहे हैं आपको रियल कैश प्राइज जीतने का मौका माई 11 ग्रुप ऐप के जरिए, जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना फेवरेट मैच, अपने क्रिकेट की नॉलेज से बना सकते हैं खुद की एक टीम, और अपनी सहूलियत के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं ये कॉन्टेस्ट, और आसपास के लोगों और दोस्तों को रेफर करने पर भी आप जीत सकते हैं ढेर सारा कैश बोनस प्राइज। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए माई 11 ग्रुप ऐप और जीतिए ढेर सारा कैश प्राइज।